जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखना है जय श्री महाकाल। आज हम आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण की, जो कि भारत में 16 जुलाई 2019 मंगलवार को लगने वाला है। बहुत से लोग इसके बारे में अलग अलग सी भ्रांतियाँ होंगी, बहुत से अलग अलग बातें होगी। तमाम बातों पर हम आज चर्चा करेंगे और आपको सही राय हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। खंड ग्रास चंद्रग्रहण भारत में दृश्य होगा। सबसे पहली बात, ये भारत में दिखाई देगा 16 जुलाई 2019 को मंगलवार, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, और रेलवे की तारीख में 17 जुलाई हो जाएगी। मतलब रेलवे की तारीख से अर्थ ये है कि रात की 12 बजे बाद तारीख बदल जाती है, और हम हिंदू रीति रिवाजों में हम 4 बजे से चलते हैं, सुबह के 4 बजे से हमारा दिन बदलता है, तो आप उसे 17 तारीख की रात मानिएगा। तो लगने वाला खंड ग्रास चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। भारत के मानक समय अनुसार यह ग्रहण रात की 1:31, याद रखिएगा, 1:31 से शुरू होगा। मध्य इसका 3:01 रात्रि में, और मोक्ष जो होगा, जो समाप्ति होगी, वो 4:30 पर इसका मोक्ष होगा। यानी कि टाइम जो है, आप इसे कह सकते हैं कि 3 घंटे का टाइम पीरियड का ये चंद्र ग्रहण रहेगा, उस दरमियान आप सोए रहेंगे। अब आपकी राशि के लिए क्या होगा, ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी राशि के लिए, आपकी राशि के लिए इसका कोई नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा मान सम्मान, यश, कीर्ति लेकर यह आएगा और रुके हुए काम बनाएगा। तमाम प्रकार की जो बातें हैं, तमाम प्रकार की उलझन हैं, उन पर आप न दिमाग में डालें, वो साइकोलॉजी आपकी मत बनाइएगा। इस ग्रहण से इस देश को आर्थिक उन्नति होगी, यहाँ के मानवों को, यहाँ के जनजातियों को, यहाँ के भूभाग को बहुत फायदा होगा। कहीं कोई डरने की बात नहीं है। ये बहुत 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 शुभ और बहुत शुभ चंद्र ग्रहण है, क्योंकि 2 जुलाई को सूर्य ग्रहण भी है। 15 दिनों की आड़ में 2 ग्रहण एक साथ आते हैं, और बहुत ज़्यादा इसका इम्पेक्ट पॉजिटिव माना जाता है। ये जितनी कुंडली में चंद्र पीड़ित है, या एक अलग विषय होगा व्यक्तिगत कुंडली, लेकिन ओवरऑल जो व्यू है बहुत अच्छा रहेगा, जो लोगों के लिए सुखद होगा, बहुत दिनों से रुके हुए काम बनाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। कहीं भी आपको किसी भी तरह से कहीं भी नेगेटिव इम्पेक्ट कुछ भी बताए, उस पर नहीं जाना है आपको। ईश्वर का स्मरण करना है उस दौरान स्मरण का, ईश्वर का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, और अगर आप सोए भी हैं तो सोने से बचें, आप ये कोशिश करें 3 घंटे और ईश्वर का स्मरण आप करते रहें। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।